हमारे लेडी सिंगम से तो ये नहीं मिला। तो गाड़ी मैंने लगा दी अपनी यहाँ पर पार्किंग, येलो वाली मेरी गाड़ी नहीं मिलेगी तो बाद में रिस्पांस कौन रहेगा। और हेलमेट मैं अपने साथ लेके जा रहा, क्योंकि हेलमेट इसलिए मैं साथ लेके जा रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है अगर हेलमेट गाड़ी पे लगा के गया शायद गुम हो सकता। तो इस वाली प्रॉपर्टी पे है हमारा इवेंट, तो बहुत मज़ा आने वाला है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा बट काफ़ी अच्छा व्यू है यार, कितना ज़बरदस्त है बताओ। तो मैं सेकेंड टाइम आ रहा हूँ आज, और मेरे साथ इवेंट करने वाले पहली बार आ रहे हैं, नहीं एक दो इवेंट कर चुका है और उसके बाद मैं करने वाला हूँ। मैं सारा इवेंट करता हूँ, बहुत सारे इवेंट करता हूँ। तो आज बिंसलेट के साथ हूँ मैं, पहले भी आपने देखा होगा तब मैं ब्लॉग नहीं बनाता था, लेकिन अब ब्लॉग बनाता हूँ फाइनली। तो ये वाला प्लेस से मस्त करके, सो गाइस फाइनली एंट्री हो गई है और अब मैं जा रहा हूँ लॉन्ज में। लॉन्ज पे हमारा सेटअप लगा हुआ अच्छा है, काफ़ी मज़ा आ गया। ओए होए होए, स्टार लेवल होटल की यही खासियत होती है। तो जैक फ्रूट भी मिल गया मेरे को, जैक फ्रूट चने कटहल, पूरा पेड़ है, पूरे पेड़ पे लगे हुए। और बिंसलेट मेरे साथ पहली बार है और मैडम भी पहली बार है मेरे साथ। तो गाइस ये है पार्टी हॉल, वाओ अमेजिंग, मस्त है यार, कड़क है भाई कड़क, अभी चालू नहीं है, फिलहाल चालू होने वाला है। वाओ, मैं सोचा मुझे बोल रहे कि आते ही जान पहचान होगी इतनी जल्दी। ओए होए होए, वाओ अमेजिंग बनाया एकदम, मतलब मस्त बनाया, कड़क कड़क बनाया एकदम। एंट्री इधर से, सीधे सीधे इधर से उधर से, फिर आपस नीचे जाए। ओए वाओ, ओ समा एक नंबर, कड़क एकदम, दिल खुश हो गया कसम से, मज़ा आ गया। वाओ, और यह है बार, दिस इज द बार, ये बार बनाया है जो काफ़ी अच्छा बनाया हुआ, जंगल पे पूरा वो मज़ा आ गया। वाओ मज़ा आ गया, वाह मज़ा आ गया। पहली बार मैंने जिंदगी में देखना है खूबसूरत बार एकदम। हाय हरीश, अमन प्रॉप्स और लाते तो अच्छे। हाँ तो फाइनली आज बिंसले मेरे पास पहली बार है मेरे साथ ना ब्लॉग में। हाँ ब्लॉग में पहली बार है, जब हम वो दीपिका का इवेंट किया था हमने तब मैं ब्लॉग नहीं बनाता था। नहीं नहीं नहीं, लेकिन बनाता था तब मना किया था हमको, इसलिए पहली बार मिले थे हम लोग टिटोस में ना। हाँ टिटोस में मिले थे पहली बार, लेकिन काफ़ी अच्छी दोस्ती है हमारे पिछले 4-5 साल से। बट इवेंट हम सेकंड टाइम कर रहे हैं आज। हाँ तो इवेंट हमारे पास बहुत है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है उतना। तो अपने भाई लोग हैं आज बार टेंडर, गोवा के बेस्ट बार टेंडर है सबके सब, काफ़ी अच्छे, क्या सेटअप किया, मज़ा आया। वाह अप्रिशिएट है, मज़ा आया। वाह पहली बार ऐसा, ये शादी का मंडप से ज्यादा खूबसूरत लग रहा है वैसे बाहर। अमेजिंग। तो कितने बजे स्टार्ट होने वाला हमारा? कितना अच्छा सेटअप किया बारटेंडर ने, बताया अप्रिशिएट यार सब लोगों को, कितना अच्छा काम किया बताया, ग्लासेस लगाए सब कुछ रेडी है। वो स्टेशन है वहाँ पर क्राउड के लिए, जो भी कॉकटेल मॉकटेल उधर से सामने से वाइन, हम तो सब चारों तरफ से बने, इसको जाने के लिए कूद के जाना पड़ेगा।
वापस कैसे आना है? कूद के जाना है वापस आना है। हाँ यार, इसको खिसका के फिर इसको वो करना है, फिर अंदर जाना है। अच्छा है, लेकिन कोई नहीं, कभी कभी ये वाला एक्सपीरियंस भी लेना बहुत जरूरी है। सब रेडी है, और स्पेशली भाई है, थोड़ा आगे आ जाओ। स्पेशली भाई जो है ये अल्मोड़ा से, और मैं भी अल्मोड़ा से। भाई ये क्या संजोग है, कसम से ये अचानक, हाँ अचानक मिल गया हम दोनों। मुझे लग रहा था पहाड़ी होगा, क्योंकि इसकी भाषा देख के थोड़ा लग रहा था ना, क्योंकि हमारा एक पहाड़ी में क्या है वो बोलते हैं ना, मतलब चार ढाल एकदम पता चल जाती, तो वो चीजें यहाँ पर ऑसम दिख रहे हैं सबके सब बार। मजा आएगा, वाह। चलो आपको भी स्टार्ट हो चुके हैं बारहती को जम के पिलाने के लिए, पिला पिला के इतना नशा कर पाएंगे आज, हम भी नहीं सोच सकते। उनको भी पता नहीं कैसे हुआ के बारटेंडर, बट सब इधर फेवरेट बारटेंडर, बेस्ट बारटेंडर है, तो बहुत मजा आने वाला है, तो बहुत मजा आएगा। और ब्लॉग को अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर बताएं। बहुत पीते लग गया। तो फाइनली यहाँ पे होने वाला है सेटअप ऑफ। कितना बजे स्टार्ट होगा इधर? तो यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, और ये है हमारा आफ्टर पार्टी वाला बार। पूरे बारटेंडर काम नहीं करेंगे, गेस्ट काम करेगा और हम डांस करेंगे। काश ऐसा हो, लेकिन होता नहीं है, लेकिन होना चाहिए ऐसा ना। इतना काम करने के बाद अगर तुम्हें मतलब मौका मिले तो एंजॉय करने का मौका मिले थे। अभी 8 घंटे काम करेगा, फिर शांति से खाना नहीं और कुछ नहीं रहेगा, तो किसी को भी लगेगा ऐसा, भाई ये वो हो रहा है, गलत हो रहा है बारटेंडरों के साथ। तो यहाँ पर होने वाला है आफ्टर पार्टी का सेटअप। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि मेरी शादी होगी, मैं भी ऐसे होटल बुक कराऊंगा। इतने पैसे नहीं है मेरे पास, अपना मंदिर में जाके सही है। मंदिर में गया, जयमाला डाला, खत्म कहानी। बट इसके लिए सोचना अभी बहुत बाकी है, तो फिलहाल देखेंगे ऐसा। अभी तक बना नहीं है बार, बार पे खाली हमारी लाइट लगा दी है। तो लाइट लगने के बाद पूरा सेटअप करेंगे दोबारा से। एक्चुअली अभी गार्डन में थे हम, गार्डन से अब आ गए हम अंदर हॉल पे, तो इस पर करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। और एक भाई और आ गए हमारे, क्या नाम है आपका? डैनियल। ये डैनियल, ये अच्छा डैनियल वो वाला नहीं जाने डैनी डैनियल डैनी डैनियल नहीं है गाइस, तुम जैसे समझ रहे हो। बहुत बार लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं, जॉनी बोला था वो सोते सीधे सेंस की बात करें, पर इसकी बात नहीं हो रही इधर, ये दूसरा डैनियल है, अपना गोवा वाला डैनियल है। तो लोग, और मैं आज तो बाल कट के सेम भाई दे, ये देख देख रहे जॉनी सिंचन लग ऐसा लग रहे, लोग सोच रहे भाई ऐसा नहीं है, कुछ नहीं, हम काम करने आए, हमारा काम चल रहा ही है वाला। हालांकि इसमें हमको शेकर से कॉकटेल हिलाना पड़ता है, ऐसा नहीं है, बट आज इधर फिलहाल के लिए तो गलत ना सोचे, वैसे हो गया मेरी हार्ट। सबसे ज्यादा काम ये कर चुका है अभी, सबसे ज्यादा काम कर चुका है। हमारे देवी सर से तो मिला है नहीं, वर्ल्ड क्लास बारटेंडर हमारे देवी सर। हेलो 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 जनता, हमारे लेडी सिंगर से तो ये नहीं मिला। सो गाइज, फाइनली इवेंट हो गया ख़त्म, क्योंकि मैं सेकेंड टाइम वेडिंग इवेंट कर रहा हूँ, इससे पहले मैं एक बार कर चुका हूँ, लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत डांस देखने को मिला, मतलब बहुत डांस देखने को मिला, बहुत मज़ा आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, इससे मोटिवेशन मिलता है, और अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आऊँगा। प्लीज़ कॉमेंट लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, एंड अपना ध्यान रखना, टेक केयर एंड बाई।